हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कानपुर यूनिवर्सिटी ने लेटेस्ट नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि 23/8 को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के आदेश के अनुपालन में आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई जा रही बीएससी कृषि, एमएससी कृषि एवं एलएलएम की परीक्षाएं दिनांक 23 अगस्त की समस्त विषयों और प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं को स्थगित करते हुए निम्नानुसार तिथियों में पालियों में परीक्षाएँ निर्धारित संपादित कराई जाएंगी। तो जो आपकी परीक्षा 23 अगस्त को थी वो अब स्थगित हो गई है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो भी बीएससी कृषि, एमएससी कृषि या एलएलएम कर रहे हैं, अब उनकी 23 तारीख की जो परीक्षा है वो 23 तारीख को नहीं होगी, वो अब स्थगित कानपुर यूनिवर्सिटी ने कर दी है। यह देखिएगा, नया शेड्यूल भी लागू कर दिया है। बीएससी कृषि प्रथम सेमेस्टर, तृतीय व पंचम सेमेस्टर, यह देखिए 23/8 को संपन्न होने वाली परीक्षा को स्थगित करते हुए परीक्षा तिथि का निर्धारण, यानी जो भी स्टूडेंट बीएससी कृषि प्रथम तृतीय व पंचम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अब उनकी परीक्षा 23/8 को जो होने वाली थी वो नहीं होगी, अब उनकी परीक्षा 7 सितंबर 2021 को कराई जाएगी। अगर बात करें एमएससी कृषि प्रथम सेमेस्टर का, तो 7 सितंबर को ही कराई जाएगी। और एलएलएम प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर, यहाँ पर एलएलएम 101 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडियन, यहाँ पर न्यू चैलेंजेस, जो कि 31 अगस्त 2021 को कराया जाएगा। और एलएलएम 102 जो कि पेपर है, वो आपका 1 सितंबर 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो भी डेट चेंज हुई है, आप बिल्कुल उनके अनुसार ही पेपर कराए जाएंगे। 23 तारीख को पेपर नहीं होगा बीएससी कृषि, एमएससी कृषि और एलएलएम, उनका पेपर 7, 7, 31 और 1 सितंबर को, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके अनुसार ही आप पेपर देने जाइएगा। अगर आप इसको कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अदरवाइज आप बिल्कुल डायरेक्ट पीडीएफ लिंक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट लिंक आपको जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आसानी से प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से डाके आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।